नमस्ते दोस्तों, मैं आपको अपनी सिंगापुर लाइफ के कुछ अंश दिखाऊंगी इस वीडियो में। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी, जिसके लिए मैं स्प्रिंग अनियन काट रही हूँ और मैंने थोड़ी सी बीन्स काट ली है। इसमें और चीजें जो मैं डालूंगी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये चावल भीग रहे हैं, इसमें भीगे हुए चावल तो ज्यादा टेस्टी बनता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैं इसमें क्या चीजें ऐड करूंगी। मैंने वेज बिरयानी की काफी तैयारी कर ली है। इसके साथ में मैं एक पनीर की सब्जी बना दूंगी। मैंने गार्लिक कर लिया तैयार, जिंजर हो गया, ये अनियन हो गया और यहाँ टोमेटो प्यूरी तैयार है। एक खास चीज आपको दिखाती हूँ कि अगर आप भी इस तरीके से जा रहे हैं विदेश तो कुछ चीजें अपने साथ ले जा सकते हैं। इस तैयारी के बाद एक और खास चीज जो कि इंडिया से जाते जाते ही हम ले जा सकते हैं अपने साथ, अगर इस तरह से हम कहीं बाहर की कंट्री में कुछ ज्यादा दिन रहने के लिए जा रहे हैं, वो है इस फ्रिज के अंदर इस बॉक्स में। बॉक्स में मैं इंडिया से पनीर फ्राई करके लाई थी। इस तरीके से रह जाता है पनीर अगर फ्राई करके रख लिया जाए। थोड़ा सा हमने यूज भी किया हुआ है क्योंकि पनीर यहाँ पर 2500-3000 रुपए किलो है। और बीइंग अ वेजिटेरियन हम लोगों की कोशिश होती है कि हम पनीर ज्यादा से ज्यादा खाएं ताकि हमें प्रोटीन भरपूर मिल जाए। भैरवी शावर लेके आ गई है, इनको किसी काम से बाहर जाना है। yes. तो मैं करूंगी कुकिंग और इनको आकर खाना तैयार मिलेगा। गैस ऑन करते हैं जी। दो सेकंड ऑन रखेंगे इसको और ये पूरी फ्लेम आ जाएगी इसकी। मैंने इस पर रखा कुकर, अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑलिव ऑयल। इस नॉब की एक स्पेशलिटी देखो आप, ये बाहर आ गई नॉब और अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो अंदर चली गई और ऊपर से हम इसका कैप लगा देंगे। यहाँ से मैं जरा सारे मसाले देखकर पहले बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि ये दूसरी जगह है तो मुझे यहाँ का पता नहीं है। ऑलिव ऑयल डाला है मैंने इसमें जो कि गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया जीरा, थोड़ी सी अजवाइन। जब तक जीरा अजवाइन इसमें पक रहा है मैं एक और चीज दिखाती हूँ। थोड़ा यहाँ के मैस को इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे ये लो है तो मैंने जब इसको लो किया तो यहाँ पर फ्लेम बंद हो गई, लेकिन जब इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया तो वहां पर फ्लेम वापस आ गई। तो ये लो अगर मैंने बिल्कुल कर दी है और इसको थोड़ा सा वापस घुमाऊंगी तो ये फिर से आ गई। ऐसे नहीं कि इसको पूरा मुझे दोबारा से ऑन करना होगा, थोड़ा स्लो करके इतनी हीट रहेगी इसका मतलब। अब इसमें जा रहा है गार्लिक, जिंजर, थोड़ा सा मिलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं बीन्स डाल रही हूं। थोड़ी बीन्स बचा रही हूँ क्योंकि मुझे एक और सब्जी तैयार करनी है, वो भी आपको दिखाऊंगी क्या है वो सब्जी। अब स्प्रिंग अनियन, बिरयानी बन रही है तो हमें इसको 100% तो पकाना नहीं है। थोड़ा सा तेल में भीग गया, अब इसके बाद इसमें अनियन, अब जितने चाहिए जितने इस कुकर में आ जाएंगे उतने राइस। हल्के हाथ से मिलाएंगे क्योंकि भीगे हुए राइस, इसलिए।
अब डालती हूँ इसमें पनीर। पनीर भी मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ, मैंने ज्यादा काटा है क्योंकि उसकी मुझे एक सब्जी बनानी है, वो आपको दिखाऊंगी। हैं? हाँ हाँ हाँ, हल्के हाथ से इसको भी मिला लेती हूँ। क्या डालना, पका हुआ? अच्छा हाँ हाँ, वो तो थोड़ा पनीर कम लग रहा है, मैं थोड़ा और डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रिज में काफी पनीर है। एक बार ये बच्चों को पकाकर यहाँ खिलाएं भी देश में, तो फिर जरा अच्छा बनाएं जैसा कि हम अपने देश भारत में बनाते हैं। इसलिए मैंने इसमें पनीर और डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी कम डाल रही हूँ, ज़्यादा हल्दी से फिर सब पीला पीला हो जाएगा, बाकी कलर नहीं आएंगे। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, क्योंकि मैंने गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, गार्लिक और जिंजर ही मैंने इसमें काफ़ी डाल दिया है, थोड़ी कसूरी मेथी। इसको हल्के हाथ से मिलाती हूँ और उसके बाद इसमें जितनी ज़रूरत है उतना पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी। पानी मैंने इसमें डाल दिया, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया और इसको पूरा नीचे डिप कर दूँगी। ये ऑयल जो भी ऊपर आ गया है, ये पूरा नीचे से ऑयल ऊपर आया हुआ है, यही ऑयल इसमें खाने का मज़ा देगा और ये सारा बाद में पूरे राइस में मिक्स हो जाएगा। कुकर बंद कर दिया मैंने, अब इसमें एक विसल आने देते हैं जिसके लिए मैं फ्लेम को फुल कर सकती हूँ। थोड़ा सा यहाँ साफ कर देती हूँ क्योंकि ये एक आइटम मेरा बनने वाला है। और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है जिस पर कि मैं दूसरा आइटम बनाऊंगी। इस पर विसल आ गई है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसी गैस पर आपको ये बना के दिखाती हूँ। अब ये पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैं इस कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल। आप देखो इसकी नॉब आगे से, जब हमें ऑयल यूज करना है तो बाहर आ जाती है और जब हमें इसको नहीं यूज करना तो अंदर चली जाती है। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ऊपर से इसको हम कैप लगा देंगे। सबसे पहले जीरा, थोड़ी अजवाइन। मैं गरम मसाले यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैं जीरा डालते हुए थोड़ी अजवाइन और थोड़ी मेथी भी डाल देती हूँ। मेथी यहाँ है नहीं तो इसलिए मैं डाल नहीं सकती। अब इसको थोड़ा भुनने देते हैं, थोड़ा गार्लिक डाला मैंने, थोड़ा जिंजर मिक्स करती हूँ और ये बहुत ज्यादा छिटक रहा है तो उससे बचने के लिए मैं एक तो फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेती हूँ और इसमें ये पिसा हुआ अनियन डाल रही हूँ। ये तो डला नहीं तो हाथ सबसे बेस्ट रहते हैं हमारे काम करने के लिए, तो मैंने इसमें डाल दिया ये अनियन। ये कढ़ाई बहुत हैवी है इसलिए इसमें बहुत जल्दी से ये भुन गया। थोड़ा अनियन भुनने के बाद इसमें थोड़ी बीन्स और बहुत थोड़े से इसमें स्प्रिंग अनियन है कटे हुए, वो मैं मिक्स कर रही हूँ और इन्हें थोड़ा पकने दूंगी। अब इन्हें मिक्स करने के बाद नमक डाल दूंगी, मिक्स करूंगी, सेंटर में रखूंगी क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला है अभी, तो ये अपनी स्टीम से पक जाएं इसलिए इसको ढककर थोड़ा सा पकाऊंगी। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ, बीन्स पक चुकी है, टमाटो प्यूरी प्यूरी है इसलिए ये बहुत जल्दी पक जाएगी। पकते पकते इसमें पनीर भी डाल देंगे।
मिक्स कर देंगे और इसको खोलकर ही पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। चाहे तो गैस थोड़ी स्लो कर सकते हैं। ये मैंने गैस स्लो कर दी और थोड़ी देर इसको पकने देती हूँ। अब इसमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च, नमक हम पहले डाल चुके हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी। मिक्स करने के बाद खोलकर ही इसको पका सकते हैं थोड़ी देर और उसके बाद इसको ढक देंगे। जब खाना होगा तो हम खा सकते हैं। पनीर इसमें ऑलरेडी शैलो फ्राई था इसलिए उसमें इसके जूसेस अच्छी तरह से चले जाएं, तो उसके लिए इसको हम अगर 1-2 मिनट ढक के रख दें तो काफी है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बन गई वो सब्जी, और चाहें तो इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अगर थोड़ी ग्रेवी करनी है तो थोड़ा पानी डाला जा सकता है या फिर बहुत थोड़ा सा दूध भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को बंद करके वापस उनकी जगह पर रखती हूँ। अपने लिए मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्जी, क्योंकि ये वाली सब्जी मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है मेरा। और अब इन चीजों को भी मैं किन्नी बॉटल्स में बंद करके रखती हूँ। कुकर में वेज बिरयानी ठंडी हो रही है, इसको मैं ढक देती हूँ और बहुत थोड़ी देर पकने देती हूँ, उसके बाद इसकी गैस को भी मैं बंद कर दूंगी। इस तरह से वेज बिरयानी और एक सब्जी मेरी बनके तैयार है। यहाँ पर रोटी पैक्ड बहुत अच्छी मिलती है इसलिए यहाँ रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह अभी हम वेज बिरयानी खाएंगे, फिर घूमने के लिए निकल जाएंगे, आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करेंगे और ये सब्जी हमारे लिए तैयार है। अगर हम रात को टाइमली घर आ जाते हैं तो हम वो रेडीमेड रोटी के साथ ये सब्जी यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम ये सब्जी कल यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, इस तरह की हमारी सिंगापुर लाइफ मैंने आपके साथ शेयर की है। भैरवी यहाँ अपने लिए कुकिंग खुद करती है, प्योर वेजिटेरियन होने के नाते यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड ही ज्यादा मिलता है, तो वो घर में ही कुकिंग करती है, उसको शौक भी है और इस तरह वो ट्रेंड भी हो गई है। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स और वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।